गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 11, क्लास 7, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स चैप्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, मैच स्ट्रक्चर गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड हमें दो दिए हुए हैं, ठीक है। हमें जो कॉलम फर्स्ट में जो दिया गया है उन्हें हमें मैच करना है कॉलम सेकंड से। तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होता है वो किसी के काम आता है, वो काम आता है ट्रांसपिरेशन के लिए, तो इसको मिला देंगे इससे, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है जाइलम। जाइलम जो होता है वो होता है, जाइलम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, वाटर का ट्रांसपिरेशन करता है, ठीक है। फ्लोएम जो होता है वो रूट हेयर, फ्लोएम जो होता है वो हमेशा क्या करता है, फूड का करता है, और रूट हेयर जो होता है वो क्या करते हैं, वाटर का अब्सॉर्प्शन करता है। अपने ये अपन ने इसे मैच कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ब्लड जो होता है हार्ट से ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के सारे पार्ट में, ठीक है। किसके थ्रू होता है, आर्टरीज के थ्रू, आर्टरीज के थ्रू। आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन जो होता है वहां पर प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है रेड ब्लड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, रेड ब्लड सेल में, ठीक है। आर्टरीज एंड वेनीज आर ज्वाइंट बाय द नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, और जो वेनीज होती है वो किससे ज्वाइन होती है, बाय द नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रेक्शन ऑफ द हार्ट, जो हार्ट के अंदर क्या होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है वो उसको क्या कहा जाता है, हार्ट के अंदर जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन होता है उसको कहा जाता है हार्ट बीट, ठीक है। यूरिया। स्वेट कंटेंट वाटर एंड स्वेट जो होता है वो क्या कंटेंट करता है अपने अंदर, वाटर और सॉल्ट, ठीक है। स्वेट होता है अपने अंदर क्या कंटेन करता है, वाटर एंड सॉल्ट अपने अंदर कंटेन करके रखता है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू, प्लांट्स के अंदर जो वाटर होता है वो ट्रांसपोर्टेड होता है किसके थ्रू होता है, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा या रूट हेयर। तो हमने पढ़ा था कि होता है जाइलम के थ्रू। वाटर अब्सॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट्स, जो वाटर का अब्सॉर्प्शन होता है रूट्स के थ्रू वो कैसे इंक्रीज होता है, बाय कीपिंग द प्लांट थ्रू होता है अंडर द फैन, ठीक है, अंडर द फैन करके। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एनिमल। प्लांट एनिमल में, प्लांट और एनिमल के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है के लिए, और ऑक्सीजन के लिए, अगर वो अदर पार्ट में नहीं पहुंच पाता है बॉडी के,
बॉडी जो होती है सर्वाइव करने के लिए एबल नहीं होगी, इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो होता है मेडिकल का वो प्लांट के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिया हुआ है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज नो प्लेटलेट्स इन ब्लड, क्या होगा अगर क्या ब्लड के अंदर कोई भी प्लेटलेट्स नहीं होगी तो। द ब्लड प्लेटलेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लोटिंग ऑफ द ब्लड इन केस ऑफ एनी इंजुरी, ए डार्क रेड क्लॉट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। क्या होता है जो प्लेटलेट्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्लोटिंग के लिए, ब्लड की क्लोटिंग के लिए। इन केस ऑफ एनी इंजुरी, कोई भी केस हो जाता है, यानी कि इंजुरी हो जाती है, डार्क रेड क्लॉट हो जाता है, वो फॉर्म्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स। वो फॉर्म होता है क्यों, क्योंकि वो प्लेटलेट्स के कारण ही फॉर्म होता है। इफ देयर आर लेस प्लेटलेट्स, इफ देयर आर लेस प्लेटलेट्स, अगर यहाँ पे क्या प्लेटलेट्स कम होगी, द ब्लड विल कीप ऑन फॉलोइंग लीडिंग टू रिमेनर्स ब्लड लॉस। तो ब्लड जो है कंटिन्यू क्या फ्लो करेगा और क्या होगा ब्लड का लॉस हो जाएगा। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट आर स्टोमेटा, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं और हमें क्या है दो फंक्शंस देने हैं स्टोमेटा के। द स्मॉल ओपनिंग, द स्मॉल ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो स्मॉल ओपनिंग होती है लीव्स के लोअर सरफेस पर उनको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्टोमेटा। ठीक है, दीज ओपनिंग्स आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स, इनको क्या कहा जाता है, ये जो ओपनिंग होती है किसके थ्रू होती है, ये होती है गार्ड सेल्स के थ्रू। ठीक है, जो क्या होती है एक लीव होती है उसके ऊपर जो छोटी 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 क्या होती है ओपनिंग होती है, स्मॉल ओपनिंग्स होती है लीव्स के ऊपर, उनको क्या कहा जाता है स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट आर स्टोमेटा, गिव टू फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या है, द स्मॉल ओपनिंग ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। जो स्मॉल ओपनिंग होती है ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, लीव्स की लोअर सरफेस में उनको क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है स्टोमेटा। These openings are surrounded by the guard cells. ये जो opening होती है surrounded होती है किससे, guard cells के थ्रू। Functions of the stomata are as follows. यहाँ पे आएगा functions है, it helps in the transpiration of water. ये क्या help करता है, ये water के transpiration में help करता है। The loss of water through leaves. इससे क्या होता है, द लॉस ऑफ वाटर लीव्स के थ्रू क्या होता है, वाटर का क्या होता है लॉस होता है। इट हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज, ये क्या करता है हेल्प करता है गैस के एक्सचेंज में। ठीक है, ये हेल्प करता है गैसेस के एक्सचेंज में। और अब आगे देखेंगे, डज ट्रांसपीरेशन सर्व एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स। अगर ट्रांसपीरेशन क्या सर्व करता है एनी यूजफुल फंक्शन इन द प्लांट्स के अंदर, तो उसको हमें एक्सप्लेन करके बताना है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू लीव्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स जनरेट्स अ सक्शन पुल। जो क्या होता है लीव जो होती है वो एक सक्शन पुल जनरेट करती है, विच नॉट ओनली हेल्प इन इवेपोरेशन, जो ना कि उनकी हेल्प करता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर में, बट आल्सो पुल वाटर टू ग्रेट हाइट, बल्कि वाटर को कहाँ ले जाता है, वो ऊंचाइयों तक ले जाता है, इन टॉल ट्रीज, लंबे लंबे ट्रीज के अंदर। तो ये जो ट्रांसपोरेशन होता है, ये ट्रांसपीरेशन होता है, ये सर्व करता है एनी यूजफुल फंक्शन, क्या है कोई यूजफुल फंक्शन करता है। ट्रांसपीरेशन आल्सो हेल्प इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ द प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन जो होता है आल्सो हेल्प करता है रेगुलेट करने में टेम्परेचर ऑफ प्लांट, प्लांट के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी जो ट्रांसपीरेशन होता है वो हेल्प करता है। ठीक है,